की उन्होंने कहा कि मैनू राजा वड़िंग ना समझना, तुसी जिन्ना जोर लाना है ला लवो। उन्होंने कहा कि मेरा माड़ा ना कर सकन की कितने हसरत तुहाडे मन च ना रह जाए। सरूप चंद सिंगला से भी उन्होंने निशाने साधे, उन्होंने कहा कि सरूप चंद सिंगला मैं कई बार इलैक्शन हराया है, इस करके बौखलाहट के उन्होंने शिकायत की है, मेरे ते लगे इल्जाम बेबुनियाद ने। यह गल मनप्रीत बादल वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस के कही गई। उन्होंने कहा कि जिस जमीन का जिक्र किया जा रहा है वह जमीन एक प्रक्रिया के तहत प्रॉपर प्रक्रिया के तहत खरीदी गई सी सरकारी पैसे नाल। उन्होंने कहा कि मैं अज तक अपनी गड्डी तेल तक नहीं पवाया। सो उन्होंने कहा कि मेरे ते सारे गए लाए जा रहे इल्जाम बेबुनियाद ने, और उन्होंने सीएम नूं भी नसीहत दी कि तुसी तुहाडे मन च कोई हसरत ना रह जाए मेरा माड़ा ना कर सकन दी, इस करके तुसी अपनी हसरत पूरी कर लो। मैं थोड़े जरिए भगवंत मान नूं मेरा स्नेहा कि भगवंत ना तो मैं तेथों डरदा ते ना मैं तेरी विजिलेंस तो डरदा, और भगवंत मैं तेनू नसीहत भी करूँगा कि जिन्नी तेरी हैसियत है और जिन्नी तेरी औकात है तेरे मन च ना रह जाए यार कि मैं सीएम बनिया सी ते मैं मनप्रीत का नुकसान नहीं कर सकता या मनप्रीत नू मैं बर्बाद नहीं कर सकता, ते मैनू तू राजा वड़िंग ना समझ ली कि अद्धी रात नू टोपी पा के मास्क पा के ते मैं तेरे गोडे हाथ ला दूंगा, ये मेरी फितरत है नहीं। सरूप चंद सिंगला नाल मेरे तीन मुतभेड़ होए। मुतभेड़ का मतलब कि मैं पहली मरतबा जो इतों इलैक्शन लड़िया तो वह पार्लीमेंट का इलैक्शन लड़िया, मैं 2014 के पी 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 पार्टी का कैंडीडेट सी। सरूप चंद सिंगला साहब वो इतों के सिटिंग एम एल ए सी अकाली दल दे, बीबा हरसिमरत नाल इलैक्शन होया सी। तो उस इलैक्शन बठिंडे दे लोकां ने मैनू 30,000 वोट ना जिता दी। दूजा इन्हां नाल जदों मुतभेड़ होया तो उदो विधानसभा का इलैक्शन सी, इन्हां नू रीनोमीनेट करता तो ये तकरीबन 18-19,000 वोट ना फिर हार गए। तीसरा इन्हां नाल इनकाउंटर होया कि 2022 का जदों इलैक्शन होया इन्हां नू अकाली दल ने फिर टिकट देती, मैं कांग्रेस का कैंडीडेट सी, हालांकि इलैक्शन तो मैं भी हार गया पर इन्हां नालों बहुत फर्क नाल मैं अगे रहा। सो मैनू लगता है मैं सियासी रंजिश तो नहीं कहूँगा कि बंदा कई बार फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाता, तो फ्रस्ट्रेट होकर इन्हां ने ये दरखास्त जिहड़ी है ये मेरे खिलाफ पाई। तो मनप्रीत बादल वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सीधा सीधा उन्होंने कहा कि मैनू राजा वड़िंग ना समझे। उन्होंने जिक्र किया राजा वड़िंग का, पंजाब कांग्रेस के प्रधान का। उन्होंने कहा कि मैं तुसी जिन्ना जोर लाना है ला लो, तुहाडी कोई हसरत ना रह जाए मेरा माड़ा ना कर सकन दी, सीएम भगवंत मान नू उन्हां वल्लों कहा गया। एक बार फिर सुनाने हाँ मनप्रीत बादल ने की कुछ कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। थोड़े जरिए भगवंत मान नू मेरा स्नेहा कि भगवंत ना तो मैं तेथों डरदा ते ना मैं तेरी विजिलेंस तो डरदा, और भगवंत मैं तेनू नसीहत भी करूँगा कि जिन्नी तेरी हैसियत है और जिन्नी तेरी औकात है तेरे मन च ना रह जाए यार कि मैं सीएम बनिया सी ते मैं मनप्रीत का नुकसान नहीं कर सकता या मनप्रीत नू मैं बर्बाद नहीं कर सकता, ते मैनू तू राजा वड़िंग ना समझ ली कि अद्धी रात नू टोपी पा के मास्क पा के ते मैं तेरे गोडे हाथ ला दूंगा, ये मेरी फितरत है नहीं। 18 च इसे प्लॉट की जिहड़ा मैं खरीदया, ये इन्होंने 68 प्लॉट जिहड़े है बोली तो लाए सी, सिर्फ 12 विखे जिहड़ा मैं प्लॉट लिया उहदी किसी ने बोली नहीं दित्ती। जिहड़े साल मैं लिया 107 प्लॉट इन्होंने बोली तो लाए सी, सिर्फ 40 विखे। फिर एक ये भी गल है कि चलो मैं तो जो भी कुछ कर लिया, जो मेरी सरकार खत्म हो गई आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, इन्होंने अप्रैल के महीने फिर की उदों तो मैं मिनिस्टर भी नहीं सी, ते उस वेले जिहड़ी रिजर्व प्राइस ते मैं खरीदया सरकार ने रिजर्व प्राइस होर घट करती कि यार ये तो विकी नहीं रहे,